हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोविद विजय। सो इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे लिस्ट ऑफ हैशटैग स्क्रीन को। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और ताकि आप इस वीडियो को फॉलो लॉन्ग कर सकें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्क्रीन सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं मेन स्क्रीन एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन स्क्रीन आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं हमारे को डुप्लीकेट आर्टबोर्ड मिल गया है। देन मैं इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। तो ये सारे एलिमेंट्स में डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ वी गेट अ एम्प्टी स्क्रीन। तो इसे मैं देता हूँ लिस्ट ऑफ हैशटैग, जिसे मैं नेम दे देता हूँ। देन सबसे पहले इसके अंदर हमारे को एक कार्ड व्यू को डिस्प्ले कराना है, मीन्स कार्ड की फॉर्म में हम अपने इमेजेस को डिस्प्ले कराएंगे। एंड देन उसके अंदर हम एक बटन लगाएंगे जो कि होगा नेक्स्ट बटन, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक्चुअली में हम जाएंगे कंटेंट स्क्रीन के अंदर। तो वो एक्चुअली में एक तरीके से हम कंटेंट फ्रेगमेंट को लोड करेंगे। सो वो काम करने से पहले हमारे को एक लोगो क्रिएट करना है, जैसे कि हमने इस तरह का लोगो क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ट्रायंगल टूल यूज करूँ। अगर आपके एडोबी एक्सडी में ट्रायंगल टूल नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपना एडोबी एक्सडी अपडेट करें, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में ये एक्चुअली में आपके पास होगा। देन इसके बाद मैं वी की प्रेस करता हूँ एंड देन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ 45 डिग्री पे। तो 45 पे नहीं, 90 डिग्री में इसे रोटेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्ले आइकन की तरह मुझे ये मिल चुका है। देन सिमिलरली मैं एक और बार यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा, तो कुछ इस तरीके से। देन वी की प्रेस करता हूँ एंड देन इस पर क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। देन उसके बाद फिर डबल क्लिक करता हूँ एक और बारी, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेन टूल का आइकन आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और एक और बार इस पर डबल क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मैं नेविगेशन कीज के थ्रू उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो नीचे भी मैं एक बार डबल क्लिक करके तब करता हूँ। तो अंडू करता हूँ मैं जी, यहाँ पे एक बार क्लिक किया, डबल क्लिक करना है। देन उसके बाद ताकि स्मूथ जो है राउंडेड हो, तो ये स्मूथनेस के साथ हो। देन आप देख सकते हैं एक तरीके से ये बैनर की फॉर्म ले चुका है। देन इस ट्रायंगल को सर्कल के अंदर डिस्प्ले कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ। देन मैं वी की प्रेस करूंगा यहाँ पे गाइस एंड देन इसके बाद मैं इसके अंदर एक वाइट कलर, तो हमारे को इसके अंदर वाइट कलर स्पेसिफाई करना, तो बॉर्डर में हटा देता हूँ। एंड देन जो ये हमारा इसका मैं बॉर्डर रहने देता हूँ, फिल हटा देता हूँ एंड देन इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ 4 पिक्सल के करीब। देन इसके अंदर मैं अपना प्ले बटन स्पेसिफाई करता हूँ। तो काफी ज्यादा बड़ा है तो मैं जूम इन करता हूँ। देन इसका थोड़ा सा साइज को मैं छोटा करता हूँ एंड सेंटर में प्लेस करता हूँ बाय सिलेक्टिंग ऑल ऑफ दिस टू। एंड देन यहाँ से मैं सेंटर एंड यहाँ से भी सेंटर। तो ये हो चुका है सेंटर में पूरी तरीके से। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका हमारा सेंटर में। देन इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, बट उससे पहले हम अपने इसको बॉर्डर को कलर भी चेंज कर देते हैं, जो कि है इसका बॉर्डर कलर। तो इसको हम दे देते हैं व्हाइट कलर। देन इसके बाद अब हम इसे देंगे यहाँ पे रेड कलर। तो जो रेड कलर होगा वो एक्चुअली में ये वाला कलर होगा। एंड देन इसके बाद इसे हम ग्रुप करेंगे और देन इसको हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे। तो एक तरीके से यूट्यूब प्ले बटन की तरह लग रहा है। तो ऑलमोस्ट हम यूट्यूब की थीम फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। देन इसको भी हम ग्रुप कर देंगे। तो ये बन चुका हमारा आइकन। देन इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ये हो चुका है हमारा प्ले बटन की तरह दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह कैसे करेंगे एंड और छोटा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कार्ड भी वो काफ़ी छोटा होगा। आइकन रेडी है, तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद गाइज अब हमारे को एक और एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट बटन। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन एडोबी एक्सडी में ड्रैग करता हूँ। तो आ गया हमारा नेक्स्ट बटन भी, जिसका हम यूज़ करेंगे अभी कुछ ही देर में। देन यहाँ पे मैं फिर से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँगा। देन इसके मैं दे दूंगा कॉर्नर्स को राउंडेड एंड देन ज़्यादा राउंडेड नहीं करेंगे, इतना राउंडेड हम करेंगे। देन इसके बाद मैं प्रेस करूंगा वी की एंड इसके बाद गाइस मैं इसका जो बॉर्डर है वो मैं हटा दूंगा। तो ये मैंने बॉर्डर हटा दिया। देन यहाँ पे मैं इमेजेस को यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पे फ्री फायर की इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फ्रीली मैंने पिक्साबे से डाउनलोड की है। तो आप भी कर सकते हैं, फ्री सम कुछ वेबसाइट है जहाँ से आपको ये पिक्चर्स मिल जाएंगी। कि अंदर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा एक और बारी, और आप देख सकते हैं एक और आ गया। तो इसको मैं छोटा करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं एक और बार डुप्लीकेट करूँगा एंड देन इसको मैं जो कलर यहाँ पे फिल कर दूंगा ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी को मैं घटा दूंगा एंड देन इसके ऊपर मैं इसे प्लेस कर दूंगा। तो एक मेरे को शेडो का इफेक्ट देगा। थोड़ा सा कलर को इफेक्ट बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये डार्क ब्लैक इफेक्ट दे रहा है। तो मेक श्योर कि प्रॉपरली इसके ऊपर फिट हो जाए। तो ये हो चुका है गाइस। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को अरेंज करेंगे बाहर ले जाके एंड मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। देन इसके अंदर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ये हो चुका है ड्रैग। देन फाइनली अब मैं अपना जो बटन है इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो बटन अभी पीछे है तो उसको मेरे को आगे करना होगा। तो ग्रुप करते हैं, मीन अंडू करते हैं, देन अरेंज पे जाते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और उसके जो स्पेसिंग है वो मैं रख दूंगा 30। आप अपने हिसाब से जैसे तैसे रख सकते हैं। देन ये प्ले बटन को भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो उसको भी हमें पहले ब्रिंग टू फ्रंट करना होगा। तो मैंने ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। देन आप देख सकते हैं इसका साइज काफ़ी बड़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं। देन यहाँ पे आ गया, देन इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों एक ही साथ अलाइन हो जाए प्रॉपरली। और दोनों प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। इसे यहाँ पे देंगे हम, जो नाम है इसका मैं दूंगा फ्री फायर। देन इसको मैं सिलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग वी की, एंड देन मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो ये हमारा आ गया फ्री फायर। देन इसके बाद गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फ्री फायर है ये गेमिंग है, तो मैं एक और बार डुप्लीकेट करता हूँ, इसका कंटेंट छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे देख लूँगा गेमिंग। ये हो चुका गेमिंग। देन मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और थोड़ा सा इसे और छोटा कर दूंगा। तो एक्चुअली में ये सारा जो कंटेंट है गेमिंग, फ्री फायर और जो इमेजेस हैं, ये एक्चुअली हम अपडेट करेंगे हर एक नए कार्ड के अंदर। देन मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा और प्लेस कर दूंगा हमारे, तो यहाँ पे भी ये सिलेक्शन रह गई थी तो इसे मैं ड्रैग करूंगा अब हमारे इस पर्टिकुलर आर्ट बोर्ड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा एक पहला एक आइटम क्रिएट हो गया है जो कि लिस्ट ऑफ आइटम। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो उसे डुप्लीकेट करता हूँ एक और बार और यहाँ पे प्लेस करता हूँ। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मेरे को नई इमेज को प्लेस करना है। तो मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एवेंजर्स की इमेज, एंड देन एडोबी एक्सडी में ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे मैं एवेंजर्स की इमेज को प्लेस कर देता हूँ। जो पीछे इमेज आप चाहें तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा, उसको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद फिर से एवेंजर्स की इमेज को सिलेक्ट करना है, वापस से जाना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है उस इमेज को। देन उसके बाद जो ये आर्टबोर्ड वाला जो आपने बनाया था स्टाइल, देन उसके बाद ये जो आपने बनाया था ये ग्रुप था, उसका बाहर ले आइए, पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप इसको उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए, एंड सिमिलरली इसको फिर से ग्रुप कर दीजिए, एंड देन वापस से यहाँ पे लाके प्लेस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे अब मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। तो ये देख सकते हैं एक और हमारा बटन क्रिएट हो गया है, एक और आइटम। तो इसी तरीके से हमारे को आइटम्स क्रिएट करने होंगे। देन मैं करूँगा क्या, मैं आर्टबोर्ड को थोड़ा और बड़ा करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड को आप लंबा कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, जो कि लॉक था इसका मैं लॉक हटाता हूँ, एंड देन इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सबसे नीचे ले जाऊँगा। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ और चेंज करनी है उससे पहले, तो यहाँ पे मैं इस बैक बटन को क्लिक कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हैमबर्गर आइकन का यूज़ करना है, जो कि ये लाइन सी होती है, इसी को हैमबर्गर आइकन बोल देते हैं। तो इसको मैं सबसे ऊपर ड्रैग करके ले जाता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टली, और थोड़ा सा इसको। देन इसको हमें यूज़ करना है तो उसको मैं ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ। तो एक्चुअली मैं सिलेक्ट करके ऐसे करना है, देन यहाँ से फिर से इसे ऊपर ले जाते हैं, एंड देन यहाँ पर मैं लाके से प्लेस कर देता हूँ। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये नेविगेशन मेन्यू आएगा, तो वो चीज़ हम इस पर कर रहे हैं। तो ये हो चुका है। देन इसी के तरीके से हमारे को और भी टाइल्स को क्रिएट करना है। तो इसे मैं फिर से एक और बार डुप्लीकेट करूँगा, सिलेक्टिंग ऑल ऑफ देम। तो मैंने एक और डुप्लीकेट किया, देन यहाँ पे इसको प्लेस किया। तो मेक श्योर कि आप जो ऊपर वाले इनको ग्रुप करते जाएँ, यहाँ पे ग्रुप पूरे को सिलेक्ट करके आप ग्रुप करते हैं साथ साथ। एंड यहाँ से जो ये वाला इसको भी आप ग्रुप कर दीजिए, तो पूरे का पूरा सिलेक्ट करके आपको ग्रुप करना है। ये ग्रुप हो गया। देन इसके बाद हमारे को इसके अंदर भी इमेज को चेंज करना है। देन यहाँ पे मैं एक और इमेज यूज़ करूँगा। इस बार मैं यूज़ करूँगा जो इमेज वो होगी, यहाँ पे एक्चुअली मैं गॉड ऑफ वार की मैं यूज़ करता हूँ इमेज। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ। देन आप चाहें तो फ्री फायर, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे भी आपको चेंज करना होगा। तो ये एक्चुअली में एवेंजर्स है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फ्री फायर ही लिखा हुआ है, तो हम देते थे एवेंजर्स। तो ये एक्चुअली में मूवीज़ है, तो यहाँ पे आपको गेमिंग की जगह कर देना है मूवीज़। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए मूवीज़, एंड देन ये जो फ्री फायर की जगह आप यहाँ पे देख दीजिए गॉड ऑफ वार, और गॉड ऑफ वार भी गेम ही है, तो यहाँ पे आप उसे गेम ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से गाइस हमारी तीसरी टाइल भी क्रिएट हो गई है। अब देन इसको हम एक और बार डुप्लीकेट करते हैं और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना होगा जब तक हमारा पूरा आर्टबोर्ड नहीं भर जाता। तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज है वो चेंज नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर इसे ड्रैग करेंगे, अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ पर अनग्रुप मैंने सबको कर दिया है। देन यहाँ पर फिर से हमें गॉड ऑफ वार की इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर से ला के इस पर ड्रैग करना है, एंड देन इसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस करना है, एंड देन इसके बाद फिर से ग्रुप कर देंगे, एंड देन यहाँ पे हम इसे, तो यहाँ पे एक और बारी इसे ग्रुप कर दीजिए। देन आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक डमी इमेज यूज़ कर सकते हैं ब्लैक कलर की, तो वही हम एक और काम करते हैं ताकि हमारे को सभी के लिए सेम रहे। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक्चुअली इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ, और देन इसकी ओपेसिटी को घटाता हूँ। तो आप चाहें तो एक यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसी को यूज़ करता हूँ। तो ये भी एक तरीके से अच्छा लग रहा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक नया इफेक्ट मैंने जनरेट किया। इससे पहले मैंने दूसरे तरीके से बनाया था। तो अभी देख सकते हैं कि ये सारे के सारे नहीं सही से हो रहे हैं, तो हमारे को इनको पीछे करना होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो डिलीट कर देते हैं जो यहाँ पे इसको अनग्रुप करके। तो ये धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। तो मैंने अभी देखो कि जैसे प्रॉब्लम आई तो मैंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। तो क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आई थी डिजाइनिंग में, बार बार क्रिएट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे इसको हम वापस से आगे लेके आते हैं। तो आगे नहीं आ रहा है वो, तो अंडू करते हैं। देन यहाँ से इसको पहले डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसके ऊपर प्लेस करते हैं। देन इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा घटाते हैं। तो इसकी ओपेसिटी देखते हैं कितनी है, तो 61 है। तो इसकी भी 61 कर देते हैं, 60 कर दिया है। देन इसको हम बैक करेंगे बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की। तो आप देख सकते हो ज़्यादा ही बैक हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंगुलर एरे ब्रैकेट जो क्लोज वाली होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। देन एक और बार डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। देन फिर से वही कंट्रोल, और मैं यहाँ पे एंगुलर जो स्टार्ट ब्रैकेट है, एरे ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, वो वाला मैं की प्रेस करके से क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हमारे यहाँ डिजाइन हो चुके हैं। अब हमारा ये गोडो बार है, तो यहाँ पे हमारे को एक और इमेज का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे डांसर्स की इमेज यूज़ करूँगा। तो ये डांसर है जो कि बैलेरिना डांसर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डांसर, तो डांसर्स। देन यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। ये हो गया लाइफस्टाइल, हैशटैग आपको डिफाइन करने होंगे। देन इसके बाद हम इसे एक और बार डुप्लीकेट, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। एंड देन इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड देन यहाँ पे लाके से प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज है वो पहले से ही डार्क है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो हैशटैग की टाइल को क्रिएट करना है। देन ऊपर वाले को हम डुप्लीकेट कर देंगे। ये हो गया हमारा ग्रुप। एंड यहाँ पे पूरा आपको सिलेक्ट करके ग्रुप करना है, मेक श्योर कि पूरा सिलेक्ट हो। देन इसके साथ साथ अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं एक और बारी। तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया एंड देन जो टॉप वाला है उसको मैंने फिर से ग्रुप कर दिया। देन ये लास्ट टाइल है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा करूँगा, मीन्स उन्हीं को डुप्लीकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो लास्ट है वो इमेज एक मनी वाली यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मनी की जगह मैंने इमेज यूज़ किया जो है वो है एक्चुअली में एक क्लॉक। तो क्लॉक यानी टाइम ही मनी है, तो अगर आप टाइम का अच्छा यूज़ करोगे तो वो आएगा मनी होगी। तो यहाँ पे मनी के लिए आपको हैशटैग देने हैं। तो ये भी लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये इस तरीके से हमारे हैशटैग हो चुके हैं डिफाइन। देन आप चाहें तो कार्ड व्यू की एक शेडो दे सकते हैं जो कि हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जरूर देंगे। देन गाइस अब मैं इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ, मीन्स ग्रुप कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टबोर्ड के अंदर भी 3 जगह खाली है, तो मैं 3 चीज़ों को फिर से डुप्लीकेट करता हूँ। तो 2 को मैं डुप्लीकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। तो यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करके डाल देता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इनकी स्पेसिंग जो है वो सेम नहीं है। आर्टबोर्ड पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देन इसके बाद आर्टबोर्ड को डबल क्लिक करके इसको मैं इसी के साथ छोटा कर देता हूँ, सो दैट कि मुझे ज़्यादा ना भरना। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट ऑफ टाइल्स शो होंगी। आप चाहे 100, 200 जितनी मर्जी टाइल्स डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम आप 500 या 600 टाइल्स तो बनाएं। मैंने जो ये कार्ड है, टाइल्स कहता हूँ मैं इनको, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में एक्चुअली में टाइल की तरह डिस्प्ले होती हैं। तो आप इन्हें कार्ड कह सकते हैं, टाइल्स कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। तो कम से कम आप 200 इनको डिजाइन करें, तभी आप एप्लीकेशन को रिलीज करना प्ले स्टोर पर। तो ये हो चुकी गाइस हमारी लिस्ट ऑफ हैशटैग स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार। तो ये चुकी हमारी लिस्ट ऑफ हैशटैग स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे कंटेंट स्क्रीन। जैसे हम इस वीडियो आइटम पे क्लिक करेंगे तो हम एक नई स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को यूजर एक्सपीरियंस और यूआई को डिज़ाइन करना है। तो वो काम हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।